आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। बाबूलाल के बिना विपक्ष के महागठबंधन का क्या होगा वजूद? रामेश्वर उरांव को बाबूलाल की दो टूक, नहीं मानेंगे हेमंत की लीडरशिप। जन समागम से छाविमो और बाबूलाल मरांडी दोनों को मिली नई ताकत। नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन के किसी प्रस्ताव को दरकिनार कर और अपने दम पर 81 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर बाबूलाल मरांडी ने विपक्ष और खासकर झामुमो और कांग्रेस को भौचक कर दिया है। वर्ष 2000 में भाजपा के नेतृत्व में बनी सरकार में झारखंड के पहले मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यों के लिए याद रखे जाने वाले बाबूलाल हाल के दिनों में झारखंड की राजनीति में एकला चलो की राह अपनाकर चर्चा में आ गए हैं। यही वजह है कि न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष भी उनकी हर गतिविधि पर न सिर्फ नजर रख रहा है बल्कि उनमें और उनकी पार्टी में लगातार बढ़ रही संभावनाओं का भी आकलन कर रहा है। राजनीति के गलियारों में ये किसी से छुपा नहीं है कि बाबूलाल मरांडी के संपर्क में विपक्ष और सत्ता पक्ष के कई विधायक और नेता भी हैं। झारखंड की राजनीति में झाविमो और बाबूलाल मरांडी की संभावनाओं को रेखांकित करती दयानंद राय की रिपोर्ट। राजनीति में कौन कब जीरो और कौन कब हीरो हो जाए ये कहना मुश्किल है। वो तो परिस्थितियां ही होती हैं जो किसी नेता को हीरो या जीरो बनाती हैं। हालांकि परिस्थितियों के साथ उस राजनेता का व्यक्तित्व भी मायने रखता है। हाल के समय में झारखंड में ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां निर्मित हुई हैं कि उसमें यदि बाबूलाल मरांडी के बगैर झारखंड में महागठबंधन आकार लेता है तो इसकी संभावना अधिक है कि वो टाएं टाएं हो जाएगा। हाल यह है कि कांग्रेस और झामुमो दोनों महागठबंधन में झाविमो की जरूरत और ताकत दोनों महसूस कर रहे हैं। यही वजह है कि रविवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने उनसे मुलाकात की और महागठबंधन को लेकर उनसे चर्चा की। हालांकि झामुमो ने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया, पर झामुमो भी ये अच्छी तरह से जानता है कि बाबूलाल मरांडी के बगैर झारखंड में कोई महागठबंधन आकार लेगा भी तो इसकी संभावना है कि वो बेहद कारगर ना हो पाए। जन समागम से ताकत मिली है बाबूलाल को। झारखंड में भाजपा जिस तरह से 65 पार के लिए मजबूती से चुनाव की तैयारियों में जुटी है, विपक्ष में वही प्रयास बाबूलाल मरांडी भी कर रहे हैं। ध्रुवा के प्रभात तारा मैदान में आयोजित जन समागम में उन्होंने 40,000 की भीड़ जुटाकर अपनी ताकत दिखा दी। इतनी भीड़ झामुमो और कांग्रेस मिलाकर भी अपनी सभाओं में जुटा नहीं पाए। बता दें कि झामुमो की हरमू मैदान में सभा हुई थी जिसकी क्षमता ही 15,000 की है और कांग्रेस की विधानसभा मैदान में रैली हुई थी जिसकी क्षमता 10,000 की है। उन रैलियों में कितने लोगों ने शिरकत की ये तो दोनों दल ही बता सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि रैली में उपस्थिति उन दोनों दलों की हैसियत के हिसाब से नहीं थी। जन समागम से पहले झाविमो ने सदस्यता अभियान चलाकर 5,00,000 नए सदस्य बनाए। चुनाव से पहले झाविमो के संगठन को मजबूत करने की खामोश कवायद के बाद बाबूलाल मरांडी ये अच्छी तरह समझ गए थे कि राजनीति में तरजीह उसी दल या नेता को मिलेगा जिसका या तो वर्तमान मजबूत होगा या उसके सुनहरे भविष्य की संभावनाएं दिखेंगी। बाबूलाल मरांडी ने भाजपा के कड़े प्रहार के बाद न सिर्फ अपने दल को मजबूत किया
बल्कि सोशल मीडिया की बदौलत जनता तक अपनी बात इस मजबूती से पहुंचाई कि हर तरफ उनकी चर्चा होने लगी। बाबूलाल मरांडी ने सरकार बनने पर युवा पीढ़ी को मुफ्त लैपटॉप देने की घोषणा करके खुद को भीड़ से अलग कर दिया। जब उन्हें महागठबंधन में उचित महत्व मिलने की संभावना गौण होती दिखी तो उन्होंने एकला चलो की राह अपनाते हुए सभी 81 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया। ऐसा झारखंड का कोई दल कर सकता था तो वो निश्चित रूप से बाबूलाल मरांडी का छाविमो ही कर सकता है, और बाबूलाल ने ये किया। दरअसल बाबूलाल मरांडी ये अच्छी तरह जानते हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में टिकट बंटवारे में अब देर नहीं है, और इस टिकट बंटवारे के दौरान टिकट न मिलने पर कई नेता दलों को टाटा बाय बाय बोलेंगे, वे छाविमो के ही खेमे में आएंगे। यहाँ तक कि झामुमो, कांग्रेस और आजसू के असंतुष्टों को भी यदि झारखंड में कोई पार्टी ठौर के साथ टिकट की गारंटी दे सकती है तो वो छाविमो ही है। ऐसी स्थिति में बाबूलाल मरांडी का आत्मविश्वास लगातार मजबूत होता जा रहा है। चुनाव नजदीक आने पर विपक्षी दलों के विधायक से लेकर बड़े नेता तक जिस तरह से उनसे संपर्क साध रहे हैं, उससे भी अपने दल के भविष्य को लेकर वो कुछ कुछ आश्वस्त से हैं। बाबूलाल मरांडी का मोराल हाई होने का दूसरा बड़ा कारण उनकी साफ सुथरी छवि और झारखंड के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर हासिल होने वाले अनुभव हैं। न टूटे और न झुके बाबूलाल। वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव में 8 विधायकों को जीत का स्वाद चखाने वाले बाबूलाल मरांडी को भाजपा ने विधानसभा चुनाव से पहले ही तोड़ने की कोशिश की। उनके 5 कद्दावर विधायकों नेताओं को भाजपा ने चुनाव से पहले अपने दल में शामिल करा लिया। बाद में उनके 6 विधायकों को भी भाजपा ने अपने दल में मिला लिया। इसके बावजूद बाबूलाल न टूटे और न झुके। उन्होंने विधायकों के पाला बदलने को लेकर दल बदल के तहत चुनौती दी। इस प्रक्रिया में उन्हें कानूनी तौर पर जीत तो हासिल नहीं हुई, पर उन विधायकों के खिलाफ क्षेत्र में जनता के बीच गलत मैसेज जरूर गया है। बाबूलाल इसलिए नहीं टूटे क्योंकि नैतिकता की अपनी राह में वे अडिग थे और जनता भी उनके इस संघर्ष से वाकिफ हो गई। सत्य की राह में उन्हें विपरीत परिस्थितियों में भी अपने खास सिपाह सलार प्रदीप यादव से किनारा करना पड़ा तो ये काम भी उन्होंने बखूबी किया। उन्होंने जैसे ही प्रदीप यादव पर यौन शोषण का आरोप लगा पार्टी से किनारा कर दिया, और इस बार उन्हें ये संदेश भी दे दिया कि बेदाग होने तक छाविमो प्रदीप यादव को टिकट नहीं देगा, वो चाहें तो अपनी पत्नी को लड़ा सकते हैं। दरअसल बाबूलाल मरांडी ये अच्छी तरह जानते हैं कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए सब कुछ है। वो ये भी जानते हैं कि कुछ भी तभी हासिल होता है जब हासिल करने का मादा हो। झामुमो का प्रभाव कम हुआ लगता है। झारखंड में बीते विधानसभा चुनावों में 19 सीटों पर जीत हासिल करने में झामुमो भले ही सफल रहा हो, पर उसके नेता हेमंत सोरेन दुमका से चुनाव हार गए। बरहेट सीट ने उन्हें जीत तो दिलाई पर यह संकेत दे दिया कि अपने गढ़ दुमका में उनका जनाधार कहीं ना कहीं खिसका है। पिछले लोकसभा चुनाव में दुमका से शिबू सोरेन की हार ने झामुमो के खिसकते जनाधार पर मुहर लगा दी। इसी तरह सिंहभूम में लोकसभा चुनाव के दौरान झामुमो विधायकों के विरोध के बावजूद कांग्रेस की उम्मीदवार गीता कोड़ा चुनाव जीतने में सफल रही। इसने ये संकेत भी दिया कि झामुमो विधायकों का विरोध भी ऐसी निर्णायक परिस्थितियां उत्पन्न नहीं कर पा रहा है जिससे किसी की हार या जीत तय हो, और जब ऐसा हो रहा है तो ये तय माना जाना चाहिए कि झामुमो की राजनीति की धार कहीं न कहीं कमजोर हुई है, और हेमंत सोरेन को इस धार को बचा कर तेज करने की जरूरत है। झारखंड की राजनीति से खारिज नहीं किए जा सकते बाबूलाल। झारखंड की राजनीति के जानकारों का कहना है कि अब जबकि झारखंड में चुनाव नजदीक है
और महागठबंधन आकार नहीं ले पाया है तो जनता विपक्ष को अलग अलग धड़ों में देख रही है और उस पलड़े में कांग्रेस और झामुमो से बाबूलाल मरांडी की झाविमो जरा भी कमतर नहीं दिख रही है। नेतृत्व क्षमता के मामले में बाबूलाल मरांडी का व्यक्तित्व विपक्ष में सबसे बड़ा है। हालांकि झामुमो के पास विधायकों का संख्या बल है तो झारखंड की जनता आज भी बाबूलाल के 2.5 वर्षों के उल्लेखनीय कार्य को भूल नहीं पाई है जो उन्होंने झारखंड के पहले सीएम के तौर पर किया था। दूसरी प्रमुख बात यह है कि बाबूलाल मरांडी झारखंड के विकास की एक सुस्पष्ट सोच रखते हैं और उसी कुशलता के साथ इम्प्लीमेंट करने की काबिलियत भी रखते हैं। झारखंड की सत्तारूढ़ भाजपा को भी बाबूलाल मरांडी की इस खूबी का एहसास है और यही वजह है कि भाजपा ने बाबूलाल मरांडी को ही वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव से पहले और बाद में तोड़ने की भरपूर कोशिश की, पर बाबूलाल मरांडी अडिग रहे। एक कुशल निर्माणकर्ता की तरह वे ये अच्छी तरह जानते हैं कि नया नेतृत्व कैसे तैयार करना है। दूसरे दल उनके विधायकों को तोड़कर ले जा सकते हैं, पर विधायक पैदा करने और नए खून को जिताकर पार्टी को मजबूत करने की जो कला बाबूलाल मरांडी जानते हैं उसका किसी दल के पास कोई तोड़ नहीं है। ध्रुवा के प्रभात तारा मैदान में आयोजित जनसमागम में उन्होंने 40,000 की भीड़ जुटाकर जैसे खुद को संजीवनी दे दी। इसके बाद से बाबूलाल मरांडी की बॉडी लैंग्वेज बदल गई। जनता से चुनाव से पहले कनेक्ट होने की उनकी जरूरत उनकी सोशल मीडिया टीम ने पूरी कर दी। बीते 2-3 महीने में बाबूलाल की सोशल मीडिया टीम ने उन्हें मतदाताओं तक पहुंचा दिया है। वे अति उत्साही हैं और हर दिन राजनीतिक कदम को तेज कर रहे हैं। चुनाव में वो कहां खड़े होंगे ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि उन्हें नजरअंदाज कतई नहीं किया जा सकता। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो आप हमारे इस फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।